नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कौशाम्बी और आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां वह जनता को बड़ी सौगात देंगे। इसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि इस दौरान वह सबसे पहले कौशाम्बी में कड़ाधाम के फसैया मैदान में कौशाम्बी महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। साथ ही 117 योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे, जिनमें ज्यादातर योजनाएं दलित उत्थान और दलित बस्तियों के लिए समर्पित बताई जा रही है। इसके बाद वह आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे, जहां वह 4,583 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बता दें अमित शाह आज कई योजनाओं की सौगात देंगे। अमित शाह का कौशाम्बी और आजमगढ़ दौरा है। बता दें कि इनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। जनता को आज कई बड़ी सौगात मिल सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कौशाम्बी और आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां वह जनता को बड़ी सौगात देंगे। बता दें कि अमित शाह के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान वह सबसे पहले कौशाम्बी के कड़ाधाम के फसैया मैदान में कौशाम्बी महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कौशाम्बी और आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ पूरा शेड्यूल? देखिए मयूरी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तर प्रदेश का दौरा है, और उत्तर प्रदेश का यह दौरा निकाय चुनाव और आगामी लोकसभा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में निकाय चुनाव का ऐलान भी हो सकता है, तिथियां घोषित हो सकती हैं, और करीबन 10 से 11 महीने जो है आगामी लोकसभा चुनाव के लिए। ऐसे में अमित शाह का ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अमित शाह 12 बजे तकरीबन लखनऊ के एमओसी एयरपोर्ट पर उतरेंगे, और उसके बाद 12:35 के करीब वो एमओसी एयरपोर्ट के बाद जो है वो कौशाम्बी के लिए रवाना होंगे। उसके बाद वहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद कौशाम्बी महोत्सव की भी शुरुआत करेंगे। फिर वहाँ पे जो खिलाड़ी हैं, जो स्पर्धा में भाग लेने वाले खिलाड़ी हैं, उन विजेताओं को पुरस्कार भी देंगे। उसके बाद वो आजमगढ़ के दौरे पर जाएंगे, तकरीबन 3:30-4 बजे के करीब आज उनके हरिपुर में पहुँचेंगे, और वहाँ पर लगभग 4,567 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद अगर बात की जाए तो चूंकि आजमगढ़ विधानसभा चुनाव के समय बात की जाए, तकरीबन 10 सीटें थी, और 200 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। ऐसे में अमित शाह का आजमगढ़ का दौरा जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और कुछ परियोजनाएं ऐसी हैं जिसमें दलित बस्तियों का उत्थान, दलितों के लिए कुछ खासकर जो परियोजनाएं बनाई गई हैं उसका लोकार्पण और शिलान्यास जो है गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी अमित शाह के साथ मौजूद होंगे। आने वाले समय में ये जो निकाय चुनाव है वो कहीं ना कहीं 2024 के आम लोकसभा चुनाव के लिए एक चुनावी संग्राम माना जा रहा है, सेमीफाइनल माना जा रहा है। इस निकाय चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने अपने जितने भी हथकंडे हैं, जितने भी हथियार हैं वो जो है आजमाना चाहेगी, और हर पार्टी जो है अच्छे से अच्छा जो है वोट परसेंटेज में लाना चाहेगी। मैं आपको बता दूं कि आजमगढ़ में कुल 10 विधानसभा सीटें जो है समाजवादी पार्टी के खाते में है। ऐसे में यहाँ कई परियोजनाओं का लोकार्पण करना, शिलान्यास करना, दलितों के परियोजनाओं का लोकार्पण करना, कहीं ना कहीं जो दलित और मुस्लिम गठबंधन है जो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हो गया था विधानसभा चुनाव 2022 में, उसको तोड़ने की यह रणनीति है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनावी चाणक्य माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो जहाँ जहाँ जाते हैं, दौरा करते हैं, वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर बनती है, और राजनीतिक में उनको एक चाणक्य की पदवी यूं ही नहीं दी गई है। तो तमाम तरह की योजनाएं जो है भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है, और हम भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं कि वो हर समय जो है वो एक्शन मोड में रहती है, चुनाव मोड में रहती है, 24/7 उसके कार्यकर्ता और संगठन लगातार एक्टिव रहता है। ऐसे में कौशाम्बी से लेकर आजमगढ़ का दौरा जो है वो खास होने वाला है, क्योंकि हमने देखा है कि पूर्वांचल जो है 2022 के चुनाव में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक टफ चुनौती बन के आया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस टफ चुनौती को बेहतरीन तरीके से डिफेंड भी किया था। वहीं समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में अपनी खासी पैठ बनाई थी, तो पूर्वांचल को जो ये सौगात करोड़ों की मिल रही है,
कहीं ना कहीं ये आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए की जा रही है, क्योंकि पश्चिम में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी आंदोलन के बाद भी अच्छी खासी मार्जिन से जीती थी, लेकिन तो विवेक ये जो 4,583 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा, क्या कुछ सौगात मिल सकती है जनता को? देखिए, अगर बात की जाए आजमगढ़ पूर्वांचल को वो करोड़ों की सौगात देने वाले हैं, इसमें कई विकास कार्य हैं, परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण शिलान्यास है, और आजमगढ़ में एक संगीत महाविद्यालय भी देने की बात कही जा रही है। ऐसे में दलितों के लिए कुछ खास परियोजनाएं हैं जिसका शिलान्यास और लोकार्पण जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा होगा, और आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय भी खुलेगा। इसके पहले आजमगढ़ संगीत महाविद्यालय की मांग भी की जा रही थी, और उसके बाद अगर बात की जाए तो ये पूर्वांचल को जो सौगात मिल रही है करोड़ों रुपए की, ये पूर्वांचल का हक है, पूर्वांचल को ये चीज़ें चाहिए थी, और ये इस सरकार ने ये अपने वादों में चुनावी घोषणाओं में पहले ही कहा था कि सबका साथ सबका विकास, यानी हर एक क्षेत्र को और हर एक वर्ग को साथ लेने की बात कर रहे हैं। और आज गृह मंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी रहेंगे, और जहां ये परियोजनाएं का लोकार्पण किया जाएगा। और अगर देखा जाए तो पूर्वांचल भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो निकाय चुनाव की बात कर लीजिए या फिर लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिए। पूर्वांचल एक ऐसा एरिया है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी टफ फाइट करके 2022 विधानसभा चुनाव से आई थी, और 24 का ये जो समर है वो निकाय चुनाव एक चुनावी संग्राम है, एक सेमीफाइनल है, जिसको सेमीफाइनल के तौर पे निकाय चुनाव को 24 के लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा सकता है। और इस निकाय चुनाव में काफ़ी कुछ स्थितियाँ जो है अपडेट हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी कि कौन जो है पार्टी जो है किस वर्ग में या किस क्षेत्र में ज्यादा सिंधवारी कर रही है। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों में एक बार फिर से दहशत फैलानी शुरू कर दी है। इसको देखते हुए बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया 7 अप्रैल को एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ रिव्यू मीटिंग करेंगे। यूपी में कोविड के 192 नए मरीज मिले हैं जबकि 68 ठीक हुए हैं। अभी कुल मरीजों की संख्या 842 हो गई है। नए मिले मरीजों में सर्वाधिक 56 मरीज गौतम बुद्ध नगर से मिले हैं। इसी तरह लखनऊ में 35, गाजियाबाद में 30, वाराणसी में 11, वहीं आगरा में 6 मरीज मिले हैं। बता दें एक बार देश में कोरोना फिर से पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है, वहीं लगातार मुश्किलें भी लोगों की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि लखनऊ में कोविड से एक महिला की मौत भी हो गई है। लगातार कोरोना का प्रकोप देखने को मिल रहा है, वहीं स्वास्थ्य मंत्री कोरोना को देखते हुए आज एक बड़ी मीटिंग करेंगे जिसमें तमाम दिशा निर्देश दिए जाएंगे। और इस खबर पर हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। लखनऊ से हमारे साथ विवेक शाही जुड़े हुए हैं और कानपुर से उपेंद्र अस्थाना। तो सबसे पहले मैं विवेक शाही का रुख करूंगी। विवेक, देखा जाए कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से लोगों में दहशत फैलाना शुरू कर दिया है, लखनऊ में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, अगर लखनऊ की बात की जाए तो जनपद में कल जो है कुल 35 कोरोना के नए मरीज मिले, और ये ग्राफ जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और दहाई की संख्या में रोज मामले जो है ऐसे आ रहे हैं कि नए केस जो है कोरोना संक्रमण के मरीज मिलते ही रहे हैं। अगर बात की जाए तो जनपद में एक्टिव केस की संख्या अब 120 हो चुकी है, और कुल 35 नए मरीज मिलना लखनऊ के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है, जनपद के लिए अच्छा संकेत बिल्कुल भी नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने लगातार जो है एडवाइजरी जारी कर दी है कि मास्क का पालन करें, सैनिटाइजर का पालन करें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, भीड़ भाड़ इलाकों में बेवजह जाने से बचे, और खासकर जो बच्चे और बूढ़े हैं उनकी अगर बात की जाए तो उनको भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बहुत ज़रूरत हो तभी वो भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाए। लेकिन इसके बावजूद हम देख सकते हैं कि राजधानी लखनऊ में काफ़ी लोग जो है वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद कि वो डबल वैक्सीनेटेड हैं, कई लोग ने बूस्टर लगवा ली है, उसके बावजूद ये लोग कोरोना को हल्के में भी ले रहे हैं। अगर बात की जाए वैक्सीनेशन की तो निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन की सुविधा
उपलब्ध है। एकाध सरकारी अस्पतालों को छोड़ दे तो हर जगह जो है सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, और क्योंकि जनता खुद जो है इंतजाज नहीं दिखा रही है वैक्सीनेशन में, इसलिए ऐसे में कई वैक्सीन को जो है वो बेकार हो जाती थी, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीन जो है वापस बुला दी थी। अगर बात की जाए तो आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी समस्त प्रदेश देश भर के सभी प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे और सभी राज्यों की स्थिति पर अपडेट लेंगे कि किस राज्य में कोविड की क्या स्थिति है, कहाँ स्थिति जो है वो भयावह होती जा रही है और कहाँ स्थिति सामान्य है। ऐसे में सभी राज्य अपना प्रेजेंटेशन रखेंगे, अपने अपनी प्रदेश की स्थितियों के बारे में बताएंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को, और सरकार पूरी तरीके से तैयारी में जुटी हुई है कि किस प्रकार से इतने पे ही इस वायरस को खत्म कर दिया जाए ताकि पहले वाली भयावह स्थिति हमें ना देखनी पड़े। मयूरी जी, हमारे साथ कानपुर से उपेंद्र जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, आप कानपुर में मौजूद हैं, देखा जाए कोरोना लगातार फैल रहा है, कानपुर में कैसी स्थिति बनी हुई है? जो मरीज तौर पर जो कानपुर जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ से निजात मिली है, वो क्वारंटाइन होम क्वारंटाइन हो रहे हैं। और बात रही कोरोना काल की, तो आम जनमानस को जो है चंगाया तो स्वास्थ्य विभाग और डीएम जो है कानपुर डीएम जो शाखा जी जो है वो लगातार जो है कोरोना को लेकर के जो लोगों के बीच मास्क की अपील करते जा रहे हैं, पर देखा है तो कहीं ना कहीं आम जनमानस जो है बड़ी लापरवाही जो है बढ़ते चला जा रहा है। उसके बाद सवाल ये उठता है कि देखा है तो जिस तरीके से अगर आम जनमानस जो है सेफ्टी का यूज नहीं करेगा, सैनिटाइजर या मास्क यूज नहीं करेगा, तो कोरोना की स्थितियां जो लगातार बढ़ती चली जाएगी। जी विवेक, देखा जाए लखनऊ में कल एक महिला की मौत हो गई, अभी देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है? देखिए, अगर बात की जाए तो जो सीएमओ मनोज अग्रवाल है उन्होंने स्पष्ट आदेश दे दिए हैं कि एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। साथ ही जो स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक है उन्होंने चिकित्सा अधीक्षकों और अस्पताल प्रशासन को खास तौर पर कहा है कि अपने यहाँ जो है वो कोविड प्रोटोकॉल का लोग पालन करें, कोविड कोरोना वार्ड बनाए, तमाम ऑक्सीजन की व्यवस्था जो है वेंटिलेटर की व्यवस्था को दुरुस्त की जाए, क्योंकि काफ़ी समय बाद जो है कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है, और ऐसा ना हो कि ये मामले बढ़ते जाए और हम जो है अपनी प्रबंधन में कहीं ना कहीं पीछे रह जाए। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट अपडेट जो है स्वास्थ्य विभाग को, चिकित्सा अधीक्षकों, अस्पताल प्रशासन को साफ दे दिए हैं कि जो उनकी वार्ड की स्थिति है, कोरोना वार्ड की स्थिति, उनको बेहतर किया जाए, चाहे वो वेंटिलेटर की सुविधा हो, चाहे वो ऑक्सीजन की सुविधा हो, चाहे वो बेड की सुविधा हो, सभी जो है अपने अस्पताल प्रशासन में एक अलग से कोविड वार्ड बनाए, इन सारी सुविधाओं को मुहैया कराया, जो भी मरीज आ रहे हैं उनको बेहतर चिकित्सकीय उपचार दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है, स्वास्थ्य मंत्री का लगातार प्रयास जारी है। जी उपेंद्र, जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, कानपुर में स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट नजर आ रहा है, कैसी व्यवस्था अस्पतालों में देखने को मिल रही है? जी मेरा जो डिप्टी सीएम है, जो स्वास्थ्य मंत्री है, वो लगातार बृजेश पाठक जो है कानपुर में अगर देखें तो एक साल के अंदर लगभग देखा है तो 12 से 15 दौरा जो है लगातार कंटिन्यू कानपुर दौरा कर रहे हैं अस्पतालों का। और बात रही साफ सफाई की और सुरक्षा की बात रही है, स्वास्थ्य विभाग में तो जो कानपुर में प्रिंसिपल संजय काला है वो लगातार जितने हॉस्पिटल है, चाहे हौसला हो, चाहे हाईलाइट हो, और उसके बाद देखा है तो चाहे कॉर्डोलॉजी देखा है, सरकारी संस्थाओं में देखा तो लगातार हर जगह जगह पर नोटिफिकेशन लगा दिए गए हैं कि मास्क लगाना जरूरी है, मास्क लगाना जरूरी, पर देखा है तो आम जनमानस जो है वो काफी कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते जा रहा है सामने। जी धन्यवाद उपेंद्र हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। विवेक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ में विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसके तहत 5 व्यावसायिक निर्माण सील किए गए हैं। बता दें कि आवासीय भू उपयोग में अवैध रूप से किए जा रहे 5 व्यावसायिक निर्माणों को सील किया गया है। वहीं ये कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश से की गई है। एलडीए उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी द्वारा शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गोमती नगर, अलीगंज, मड़ियाओ और जानकीपुरम क्षेत्र में आवासीय भू उपयोग के विपरीत अवैध रूप से किए जा रहे 5 व्यावसायिक निर्माणों को सील किया गया है। बता दें 5 निर्माणाधीन व्यावसायिक भवन सील किए गए हैं। डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें एलडीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, 5 निर्माणाधीन व्यावसायिक भवन सील किए गए हैं।
वहीं एलडीए उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी द्वारा शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गोमती नगर, अलीगंज, मड़ियाव और जानकीपुरम क्षेत्र में आवासीय भू उपयोग के विपरीत अवैध रूप से किए जा रहे 5 व्यावसायिक निर्माणों को सील किया गया है। बता दें ये जो कार्रवाई की गई है डॉक्टर इंद्रमणि के निर्देश पर की गई है। 5 निर्माणाधीन व्यावसायिक भवन सील किए गए हैं। लगातार एलडीए अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इसी तहत डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर एलडीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां अवैध रूप से किए जा रहे 5 व्यावसायिक निर्माणों को सील किया गया है। बता दें इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं एलडीए लगातार अवैध निर्माणों के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जिसके तहत 5 निर्माणाधीन व्यावसायिक भवन सील किए गए हैं। बता दें एलडीए द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर 5 व्यावसायिक निर्माणों को सील किया गया है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ चुके हैं। रितेश, डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है, अवैध रूप से किए जा रहे 5 व्यावसायिक निर्माणों को सील किया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए महोदय, मैं आपको बताऊं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में लगातार निर्माण कार्यों पर जो अवैध रूप से किए जा रहे हैं उस पर सील की कार्रवाई की जा रही है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि के निर्देशन में कार्रवाई की जा रही है। और अभी जो कार्रवाई की गई है, प्रवर्तन जोन 1, 4 और 5 की टीम ने कार्रवाई की है। और ये गोमती नगर इलाके में और अलीगंज इलाके में, मड़गांव इलाके में, जानकीपुरम इलाके में जो आवासीय भू उपयोग में जमीनें थी उन पर अवैध रूप से व्यवसाय निर्माण किया जा रहा था, जिसको लेकर सील की कार्रवाई की गई है। जोनल अधिकारी प्रिया सिंह से जब जानकारी मिली तो उन्होंने बताया है कि बिना स्वीकृति के मानचित्र के ये इस तरह का यहाँ पर बेसमेंट से कार्य कराया जा रहा था, जिसको लेकर के इनको जो है सील की कार्रवाई की गई है। तो कहीं ना कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण पूरे लखनऊ में उसका हंटर चल रहा है। जहाँ जहाँ अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही है उस पर भी लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है। और जितने भी बिना मानचित्र पास किए हुए भवन है या प्रतिष्ठान है उनको सील किया जा रहा है। नंदन जी, धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। प्रयागराज में हनुमान जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बता दें कि जनपद हंडिया तहसील के अंतर्गत धनुपुर बाजार में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर बजरंग कमेटी ने ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त उपस्थित रहे। साथ ही उप जिलाधिकारी ACP सहित भारी संख्या में पुलिस बल के जवान भी तैनात रहे। वहीं हनुमान जन्मोत्सव से दूर दूर से आए कलाकारों ने कला की प्रदर्शनी थी। इस दौरान भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष अजय केशरवानी ने कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों का आभार जताया। हमारे हमारे स्नातक जो है बोला जो है थाना क्षेत्र हमिया करता है और बड़ी संख्या में सब भाग उपस्थित है। बहुत ही श्रद्धा तरीके से भगवान हनुमान जी को जयंती मनाई जा रही है। और हमारी पूरी टीम, हमारे ACP साहब, हमारे सचिव साहब और हमारी पुलिस टीम। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए बन रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।